नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी कार्यकारिणी की घोषणा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौभाग्य केसरी की वजह से अटक गई। सौभाग्य केसरी ने जो लिस्ट बनाकर दी थी उसे भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने रोक दिया। पता चला है कि सौभाग्य केसरी ने जो लिस्ट बनाकर भेजी थी उसमें कई ऐसे पदाधिकारी थे जो दिन भर रहते कांग्रेसियों के साथ हैं, पूरा व्यवसाय कांग्रेसियों के साथ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा में पदाधिकारी इसलिए बनना चाहते थे कि सरकार प्रदेश में भाजपा की है। ऐसे में यदि कहीं कोई व्यवसाय में व्यवधान पहुंचे या कोई तकलीफ आए तो सरकारी सहयोग जरूरी है। सौभाग्य केसरी ने अपने हिसाब से लिस्ट भेज दी थी, लेकिन भाजपा का उच्च नेतृत्व इस शिकायत पर मामले को रोक दिया। वर्तमान समय में कांग्रेस के अंदर कई कमल छाप कांग्रेसी हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस इसी भाषा में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहती थी। कांग्रेस की रणनीति थी कि पंजा छाप भाजपा ही बनाया जाए तो उससे भाजपा कमजोर होगी। कांग्रेसी काफी कुछ इस रणनीति में सफल भी हो गए थे, लेकिन भला हो भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व का जिसने सौभाग्य केसरी के द्वारा भेजी गई लिस्ट को फाड़कर फेंक दिया। मजेदार बात यह है कि इस लिस्ट को उन लोगों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी जो कट्टर हिंदूवाद के समर्थक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर सतना जिले में जिस तरीके की पेंच फंसी हुई है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिले के अंदर कई महीने तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ही नहीं घोषित हो पाई हो तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर तहखाने में क्या चल रहा है। सौभाग्य केसरी और जनाधार विहीन उनके आका, जिन लोगों को युवा मोर्चा के माध्यम से सत्ता की सेज पर आरामदायक शयन कक्ष उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे, भाजपा का उच्च नेतृत्व इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। सतना जिले की राजनीति में तमाम ऐसे लोग हैं जो गलतफहमी के शिकार हैं। जैसे मुर्गे को गलतफहमी होती है कि मैं नहीं बोलूंगा तो सवेरा नहीं होगा। जैसे छिपकली को गलतफहमी होती है कि यह दीवार मेरे सहारे ही टिकी है। ठीक इसी तरीके से कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि कुछ युवाओं के बिना युवा मोर्चा चलाया ही नहीं जा सकता। जनाधार का दावा करने वाले लोग यह न भूलें कि सतना जिले की राजनीति में सड़े सड़े चुनाव हार चुके हैं ये लोग। उच्च नेतृत्व में जिस तरीके का निर्णय लिया है उससे भारतीय जनता युवा मोर्चा का निश्चित तौर पर भला होगा, क्योंकि भाजपा यह नहीं चाहती कि भाजपा में पंजा छाप भाजपाइयों की भर्ती हो। खबरें नए अंदाज में देखने के लिए विशाल खबर को सब्सक्राइब जरूर करिए।